परमेश्वर याकूब को आशीष देता है। जब वे बच्चे बड़े हुए तो याकूब को घर पर रहना अच्छा लगा, परंतु एसाव को जानवरों का शिकार करना भाया। रिबका ने याकूब से स्नेह किया, परंतु इसहाक ने एसाव से प्रीति रखी। एक दिन जब एसाव शिकार करके वापस आया तो वह बहुत भूखा था। एसाव ने याकूब से कहा, जो तूने पकाया है उसमें से थोड़ा भोजन मुझे दे। याकूब ने जवाब दिया, पहले मुझसे यह प्रतिज्ञा कर कि पैलोठा होने के कारण से हर एक चीज जो तुझे मिलनी चाहिए वह सब तू मुझे देगा। अतः एसाव ने उन सब चीजों को याकूब को देने की प्रतिज्ञा कर दी। तब याकूब ने उसे कुछ भोजन दिया। इसहाक एसाव को आशीष देना चाहता था, परंतु इससे पहले कि उसने ऐसा किया, रिबका और याकूब ने याकूब के एसाव होने का ढोंग करके उसके साथ धोखा किया। इसहाक बूढ़ा था और अब देख नहीं पाता था, इसलिए याकूब ने एसाव के कपड़े पहने और बकरी की खाल को अपने गले और हाथों पर लपेट लिया। याकूब इसहाक के पास आया और कहा, मैं एसाव हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि तू मुझे आशीष दे। जब इसहाक ने बकरी के बालों को महसूस किया और कपड़ों को सूंघा तो उसने सोचा कि वह एसाव है और उसे आशीष दी। एसाव ने याकूब से ईर्ष्या की, क्योंकि याकूब ने उसके पहले पुत्र के अधिकार को और साथ ही उसकी आशीषों को भी चुरा लिया था। अतः उसने उनके पिता के मरने के बाद याकूब को मार डालने की योजना बनाई, परंतु रिबका ने एसाव की योजना को सुन लिया, इसलिए उसने और इसहाक ने याकूब को उसके रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए बहुत दूर भेज दिया। याकूब कई वर्षों तक रिबका के रिश्तेदारों के साथ रहा। उस समय के दौरान उसने विवाह किया और उसके 12 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। परमेश्वर ने उसे बहुत धनी बना दिया। 20 वर्षों तक कनान में अपने घर से दूर रहने के बाद याकूब अपने परिवार, अपने सेवकों और अपने जानवरों के सारे झुंडों के साथ वहां वापस लौटा। याकूब इसलिए बहुत भयभीत था क्योंकि उसने सोचा कि एसाव अब भी उसे मार डालना चाहता था, इसलिए उसने उपहार स्वरूप जानवरों के झुंडों को एसाव के पास भेजा। जो सेवक उन झुंडों को लेकर गए थे उन्होंने कहा, तेरा दास याकूब इन जानवरों को तुझे देता है, वह जल्द ही आ रहा है। परंतु एसाव अब याकूब को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, इसके बजाय वह उसे एक बार फिर से देखकर बहुत प्रसन्न था। उसके बाद याकूब कनान में शांतिपूर्वक रहा। फिर इसहाक मर गया और याकूब और एसाव ने उसे दफनाया। वाचा की प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थीं, वे अब इसहाक से याकूब पर आ गई थीं।